नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा है, किसी प्लॉट फ्लैट को बेचा है, वो पैसा है, तो उस पैसे को SBI इक्विटी हाइब्रिड में अगर लगा दें। इस फंड का नाम पहले SBI बैलेंस फंड हुआ करता था। बैलेंस मतलब 65% इक्विटी में लगाएंगे और 35% डेट फंड में रखेंगे, डिवेंचर में इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे 1 करोड़ रुपया पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया बैलेंस फंड में और वहां से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। तो हम एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 1 जनवरी 2006 में 1 करोड़ रुपया रखा और वहां से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया अगले ही महीने से, 1 फरवरी 2006 से। और ऐसा जब शुरुआत किया तो 60,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं यहां से, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है वन टाइम, और 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया तो पैसा बैलेंस यहां पे बचता जा रहा है। 1 करोड़ 19 लाख, फिर हुआ 1 करोड़ 24 लाख। इस तरह से ये मार्केट में अप डाउन होते रहा और कभी 1 करोड़ 77 लाख है तो कभी 1 करोड़ 32 लाख हो गया, फिर ये गिर के 94,13,000 रुपया हो गया, 93,69,000 हो गया, 90 लाख हो गया। मतलब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से आपका पैसा जो वन टाइम इन्वेस्टेड है वो ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि अगस्त 2021 में 15 साल के बाद बैलेंस क्या है, तो वो है 3,54,93,000 रुपया। इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कि 1 करोड़ रुपया वन टाइम लगाया था और बाद में बैलेंस बचा 3,54,00,000। तो 1 करोड़ रुपया रखा, 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, पिछले 15 साल से ऐसा लिया तो रिटर्न आता है 12.89%। मतलब इस SBI के बैलेंस फंड ने, इक्विटी हाइब्रिड ने, पिछले 15 साल में 12.89% का रिटर्न दिया, जबकि 60,000 रुपये पर मंथ हमारे अकाउंट में आ रहा है हमारे जीवन यापन करने के लिए, और बाद में बैलेंस वर्थ ये बचा 3,54,00,000, जबकि 1,08,00,000 हम वापस ले चुके हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 4,60,00,000 रुपया होता है, और ऐसा तब है जबकि रिटर्न 12.89% का है। यदि मैं फ्यूचर में इतने रिटर्न को ना मानूं, मात्र 10% का रिटर्न कैलकुलेट करूं, तो 1 करोड़ का वैल्यू बाद में बैलेंस वर्थ बचता है 1,94,00,000 रुपया, जबकि पेंशन तो उतना ही हम ले लेंगे 60,000 के दर से। 11% के रेट से बैलेंस वर्थ बचता है हमारा 2,41,00,000, जबकि 12% के रेट से बचता है 2,96,00,000, जबकि 60,000 पर मंथ तो वो डिफॉल्ट में आ ही रहा है। तो ऊपर नीचे जब मार्केट यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो बाद में कितना रिटर्न मिलेगा वहीं पे फ्लक्चुएशन हो सकता है, जबकि ये पैसा आपको 60,000 कॉन्स्टेंट आ रहा है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4-5 फैमिली मेंबर्स मिलके ये डिसाइड करके कि आपको 1 करोड़ रुपया कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे पेंशन लेना चाहिए 60,000 रुपये पर मंथ, आप मुझसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे YouTube और Facebook पे देख रहे हैं, ऑनलाइन लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। जब एक बार आपका म्यूचुअल फंड में अकाउंट मेरे ऐप के थ्रू हो जाए तो आप मुझसे WhatsApp करके पूछ सकते हैं कि आपको 1,000 का SIP कहां करना चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।